तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करी कैसे जाती है। आप लोगों ने यह तो सुन लिया कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग से मोटा पैसा बनाया जा सकता है, कम अमाउंट से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर काम किया जा सकता है और ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत सारे पैसे अर्न किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते कैसे हैं। गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक्चुअल में ये बताने आया हूं, जब आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हो, उसके बाद में जब आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से बतेरे ऑप्शन आते हैं। बहुत सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल के आती है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते कैसे। तो आज के इस वीडियो के अंदर यही बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते कैसे और किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग से अपन मोटा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो आपका इस चैनल के ऊपर स्वागत है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन, एक भी सवाल आप लोगों के मन में मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। पसीने देख सकते हो गाइस, चेहरे की हालत देख सकते हो, लेकिन आज आप लोगों के लिए पूरा एनर्जी फील कर रहा हूं। ऐसी तगड़ी वीडियो लेके आया हूं जो कि मुझे नहीं लगता ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड इतनी आसान भाषा के अंदर आपको कोई समझाएगा। मैं हमेशा अपने सेटअप के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, लेकिन आज इस मोबाइल के अंदर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं। मोबाइल यहां पे चालू होगा, चलिए तो बात करते हैं, आ जाइए। चलिए गाइस, तो सबसे पहले गाइस यहां पे मैंने अपना धन का डीमेट अकाउंट ओपन करके रखा है। अब आप लोगों को यह तो बहुत बताया गया कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, मोटे पैसा बना सकते हो, कम अमाउंट से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन सर, इतने सारे ऑप्शन आप देख सकते हो, साइड में आप लोगों को स्क्रीनशॉट चालू दिख रहा है, यहां पे मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू दिख रही है। यहां पे आप लोगों के सामने बतेरे ऑप्शन आ रहे हैं। ऊपर ऊपर मैं बात करूं तो यहां पे जो प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, करंट वैल्यू, ये सारी चीज जब आप लोग अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जब आप लोग ट्रेडिंग करते हो, तो वो सारी चीजें यहां पे आप लोगों को दिखने वाली है। ऊपर ऊपर निफ्टी 50 की क्लोजिंग अपने को दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल बंद हो चुका है। नीचे मैं बात करूं तो गाइस आप लोगों को दिखा रहा है इक्विटी हो गया, फ्यूचर हो गया। गाइस नजर यहां पे बनाए रखिए, ठीक है। फ्यूचर हो गया, इक्विटी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, ETF हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गई, करेंसी हो गई, कमोडिटीज हो गई। उसके नीचे मैं बात करूं तो यहां पे आप लोगों को शेयर्स के नाम दिख रहे हैं, जो IPO आने वाला है, जिनका IPO लॉन्च होने वाला है, वो आप लोगों को यहां पे दिख रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें। और नीचे आप लोगों को मैं स्क्रॉल करके लेके चलता हूं तो यहां पे अपना जो इंडेक्स है, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, इंडिया विक्स हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। नीचे मैं बात करूंगा तो यहां पे अपने को कुछ स्टॉक्स दिख रहे हैं और यहां पे ये भी दिखा रहा है कि गेनर्स, लूजर्स, मतलब जिनके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम है, 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो, ये सारी चीजें दिखा रहा है। लेकिन सर, यहां पे हमको, यहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन, चलो यहां पे हमको दिख रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेकिन सर ये इक्विटी एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर बता दीजिए तो मजा आ जाए। इक्विटी मेरे भाई, इक्विटी का मतलब होता है आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो। मान लो आज रिलायंस है, उसका आपको बस एक शेयर बाय करना है। मान लो अडानी का, मान लो, चलो एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूं, अडानी पावर का मुझे शेयर खरीदना है, तो मैं इक्विटी के ऊपर यहां पे क्लिक करूंगा। अपने सामने बहुत सारी कंपनियां निकल के आ रही है, देखो। जैसे मैंने इक्विटी के ऊपर क्लिक किया, आप लोग देख सकते हो यूनाइटेड हो गया, इंडालको हो गया, महिंद्रा हो गया। मान लो मुझे ONGC का ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इस कंपनी का एक शेयर बाय करना है। मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया, यहां पे मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है सेल और बाय का, तो यहां पे मैं बाय के ऊपर क्लिक करूंगा। मुझको जितनी क्वांटिटी चाहिए, मान लो मुझे यहां पे एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, उतना मैं ऐड करूंगा। नीचे अमाउंट आप लोगों को दिखा रहा है कितना मनी रिक्वायरमेंट होगा, मार्जिन यहां पे मुझे मार्जिन दे रहा है, इसलिए ये कम प्राइस मुझे दिखा रहा है, ठीक है, मार्जिन मुझे मिल रहा है, ठीक है। धन आपको अच्छा खासा मार्जिन देता है। जैसे तो ऐसे अपन गाइस बाय कर सकते किसी कंपनी का शेयर। अब मान लो आप किसी कंपनी के शेयर को 187 के ऊपर, जो कि अभी फिलहाल प्राइस चल रही है, ऊपर ऊपर देख सकते हो, आपको ये बाय करना है। अब ये मान लो कब भैया ये 190 जाएगा, कब 200 जाएगा, इतना टाइम कौन रुकेगा मेरे भाई। मान लो चलो रुक भी जाते हो, आप लॉन्ग टर्म बंदे हो, चलो रुक भी जाते हो, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म गेम है, इंट्राडे गेम है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन चलिए एक बार मैं इसको बैक कर लेता हूं और ऑप्शन ट्रेडिंग वाले सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। आई होप गाइस आप लोगों को ये इक्विटी का जो समझ में, आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद में गाइस मैं क्लिक करता हूं यहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग वाले सेक्शन के ऊपर। आप लोग साइड में नजरें बनाए रखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग वाले सेक्शन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा, अपने सामने निकल के आएंगे गाइस ऑप्शंस के प्रीमियम। अब सर ये क्या होता है ऑप्शंस के प्रीमियम, गाइस सबसे पहले तो मैं बता दूं,
कुछ स्टॉक्स को छोड़ के ऑप्शन ट्रेडिंग आप इंडेक्स में कर सकते हो, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। मतलब आप मान लो आज आप लोग निफ्टी में करते हो, या मान लो एग्जांपल में देता हूं, बैंक निफ्टी के अंदर आप लोग करते हो, आप लोग देख रहे हो कि भैया जो बैंक निफ्टी चल रहा है वो 46,000 के आसपास चल रहा है, तो क्या आप लोग 46,000 रुपए एक लोट को बाय करोगे, दोगे, मतलब दोगे? तो पहली बात तो बैंक निफ्टी को आप बाय नहीं कर सकते, इंडेक्स को आप बाय नहीं कर सकते। लेकिन सर ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही क्यों है हमें, और ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर हम बैंक निफ्टी को बाय नहीं कर रहे तो बाय क्या कर रहे हैं मेरे भाई? वीडियो कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, मतलब आगे जैसे जैसे मेरे को सही लग रहा है वैसे वैसे आप लोगों के डाउट्स क्या होने वाले हैं वो मैं यहीं पे सोल्व करते हुए चल रहा हूं। अब आप लोगों को नीचे दिख रहा है यार निफ्टी 14 सितंबर 2020 की कॉल है, तो सर ये कॉल और पुट मेरे भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब मार्केट ऊपर जाता है तो अपन कॉल बाय करते हैं और जब नीचे आता है तब अपन पुट बाय करते हैं, ठीक है? तो ये एक्चुअल में ये है क्या मेरे भाई, आपको आसान भाषा के अंदर समझा सकूं तो ये मान के चलिए आप लोग कि ये टोकन मान के चलिए आप लोग, ठीक है? मतलब आप एक कंपनी है तो भैया आपको मान लो आज निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 है, क्या है एक्चुअल में इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। अब आपको मान लो 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है लेकिन आपके पास में अमाउंट नहीं है उतना, ठीक है? मान लो अलग अलग सभी कंपनियों के शेयर की प्राइस अलग अलग है लेकिन आपके पास मान लो इतना अमाउंट नहीं है 50 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करने जितना, तो आप क्या करते हो यार निफ्टी 50 के अंदर जाते हो और वहां से आप क्या करते हो कि यार चलो ये जो 50 कंपनी है इसके अंदर मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं 500 के 500 कंपनियों के शेयर खरीद लूं, तो मैं एक काम करता हूं जो निफ्टी 50 है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनियों से मिलकर बना है, एक काम करता हूं मैं उसका कोई प्रीमियम खरीद लेता हूं। अब ये भी दिक्कत है कि अपन निफ्टी 50 को नहीं खरीद सकते, मतलब एक तो 50 शेयर नहीं खरीद सकते, ऊपर से अपन निफ्टी 50 को भी नहीं खरीद सकते, तो करे क्या? इसलिए निकाला गया कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो कॉल और पुट खरीदो। अगर आपको लगता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनियां ऊपर जाएगी, या फिर मैं यूं कहूं कि निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय कर लो, और अगर नीचे आएगा तो आप पुट बाय कर लो। लेकिन सर दिक्कत तो यह आ रही थी ना हमारे पास पैसे नहीं है, तो भैया कौन बोल रहा है आपको कि आप निफ्टी के 20,103 जो भी अभी आप लोगों को दिखा रहा है साइड में इतने पैसे दो, हम आपको टोकन देते हैं ना, हम आपको टोकन दे रहे हैं, टोकन लो आप, और मान लो हम आपको 100 रुपए का टोकन दे रहे हैं उसको बाय करो, अगर ऊपर जाएगा तो वो टोकन 100 रुपए का 100 से 110 से 120 मतलब बढ़ जाएगा ऊपर और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब पैसों की यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कम पैसों से की जा सकती है, मतलब 10,000 से भी की जा सकती है। तो आई होप गाइस आप लोगों का ये कंसेप्ट तो क्लियर हुआ कि कम पैसों से ऑप्शन ट्रेडिंग की जा सकती है। दूसरी बात गाइस यहाँ पे मैं ये कहूं कि यहां पे आप निफ्टी को नहीं खरीद सकते तो कॉल और पुट को खरीदेंगे। चलिए यहां पे मैं बात कर लेता हूं निफ्टी के ऊपर, जैसे मैं क्लिक करूंगा गाइस नजरे बनाए रखिए, निफ्टी के ऊपर क्लिक करूंगा, अब मेरे सामने सर खरीदना कहां पे, आपने तो बोला था कि वो टोकन आएगा वो आएगा, सर यहां पे तो मार्केट ऑप्शन चेन फ्लैश ट्रेडर कैंपेन ये क्या आ रहा है सर, हमें तो सर वो खरीदना क्या है? तो मेरे भाई आप जैसे यहां पे ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करते हो, ऊपर आप लोगों को दिख रहा है ऑप्शन चेन मार्केट के पास में, ऑप्शन चेन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा अपने सामने गाइस यहां पे देखो वो टोकन निकल के आ जाते हैं। अब मुझे लगता है मान लो अभी देखो ये लाइन कहां पे, अभी जो रुका हुआ मार्केट वो क्योंकि क्लोज हो चुका है मार्केट, तो 20,103 के ऊपर अगर आपको लगता है कि यार ये जो टॉप कंपनी है इंडिया की ये ग्रो करेगी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं निफ्टी के अंदर आ गया, तो अब जाहिर सी बात है यार ग्रो करेगी तो निफ्टी भी बढ़ेगा, तो मैं एक काम करता हूं निफ्टी में पैसा लगा देता हूं निफ्टी 50 में, और मुझे लग रहा है कि ये 20,103 से 20,250 तक जाने वाली है, ठीक है? मतलब गाइस एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, पास का एग्जांपल दे रहा हूं, बड़ा एग्जांपल नहीं दे रहा। तो गाइस अब आप लोग क्या करते हो, आपको लगता है तो आप लोग गाइस यहाँ पे ऑप्शन चेन के पास में आपको दिख रहा होगा एक सेक्शन जहां पे कॉल लिखा हुआ है, और इधर के साइड में मतलब आप देख सकते हो गाइस पुट और कॉल लिखा हुआ है, जब ऑप्शन चेन आप लोगों को ऊपर दिख रहा है ना उसके साइड में कॉल और पुट दोनों लिखे हुए हैं, मतलब यहाँ पे जो कॉल लिखा हुआ है वो लगभग मान सकते हो येलो टाइप के कलर से लिखा हुआ है, और जो ये दूसरा ये ब्लू कलर टाइप के से कुछ इस तरीके से ये कलर है। तो आप लोग देख रहे हो कि यार मेरे को कॉल बाय करना है क्योंकि जो यहाँ पे निफ्टी है वो 250 तक जाने वाला है, 20,250 तक जाने वाला है। तो आप लोग क्या करोगे गाइस, कोई सा भी कॉल खरीदोगे मतलब इन द मनी, ठीक है? अभी ये इन द मनी एटीएम ओटीएम ये क्या गाइस वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर, जाके आप लोग देख सकते हो। बाकी चलो ये एक बार मैं छोटा मतलब जल्दी से बता देता हूँ एक्चुअल में ये है क्या, मतलब जितना आप लोग नीचे मतलब जहां से मार्केट आया है, अगर आप लोग मान लो कॉल खरीदोगे, क्यों खरीदोगे? क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा, तो कहां से आया कहां से वो मेरे भाई,
मान लो 16,000 17,000 18,000 19,000 20,000 वहां से वो आया है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जैसे मैं नीचे स्क्रोल करता जा रहा हूँ ये मेरे पास में येलो कलर का सेक्शन मुझे दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये समझो आप लोगों को जहां पे भी व्हाइट कलर दिख रहा है वो अपने लिए काम का नहीं है, ठीक है। बाकी पुट साइड में आपको व्हाइट का दिख रहा है लेकिन पुट साइड में इसमें मेरे हिसाब से कुछ पता नहीं ये क्या दिख रहा है मेरे को। बाकी ये जीरोधा के अंदर तो मुझे ये येलो ही दिखता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब ये समझो आप तो ये समझ लो कि जहां से आया है वो इन द मनी होता है, जहां पे खड़ा है वो एटीएम होता है एट द मनी, जहां से वो आया है इन द मनी, और जहां पे खड़ा है एट द मनी, और जहां जाएगा एटीएम एट द मनी मतलब आउट ऑफ द मनी गाइस, सॉरी आउट ऑफ द मनी ओटीएम, जहां पे वो जाएगा। तो मेरे भाई आप लोग देखो 20,000-250 पे जाएगा तो आया कहां से वो 20,000-19,000। तो आप लोग क्या कर रहे हो, मान लो एग्जांपल के तौर पे आप 20,100 का यहां पे कॉल खरीद लेते हो तो ये तो हो जाता है एटीएम जहां पे खड़ा है, ठीक है, ये तो हो जाता है एटीएम। और कहां से आया है ये मान लो भैया 20,050-20,000 ये हो जाता है इन द मनी, क्योंकि यहां से वो आ चुका है। अब दूसरी तरफ मैं पुट की साइड में बात करूं तो पुट की साइड में भैया मान लो 20,103 पे खड़ा है लेकिन आया कहां से, ये मान लो अभी तक गया नहीं है गाइस, लेकिन सोचते हैं कि अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो मान लो भैया वो पहले 30,000 था 29,000 28,000 26,000 25,000 तो वो भैया ऐसे गिरते गिरते नीचे आया, ठीक है, मतलब गया नहीं है निफ्टी, लेकिन बोलते कि अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो गिरे मतलब ऊपर से आया है, ठीक है, वो हो जाता है इन द मनी, ठीक है। तो इन द मनी गाइस यहाँ पे क्या होगा, इन द मनी होगा मान लो यहाँ पे 20,300 20,350 400 500 ये सारे के सारे इन द मनी हो जाते हैं। एट द मनी क्या होगा 20,150 ये एट द मनी होगा, ठीक है, एट द मनी। और ओटीएम क्या होगा गाइस, जहां पे जाएगा मान लो अगर गिरेगा तो और कहां तक गिरेगा, मान लो भैया वो 20,000 तक गिरेगा 19,950 तक गिरेगा 19,900 तक गिरेगा, तो ये है भैया अपने लिए ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो आई थिंक गाइस ये थोड़ा जल्दी मैंने समझाने की कोशिश की थी, बाकी इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो है जाके देख सकते हो, ठीक है। तो चलो अपन ने क्या सोचा था कि यार ऊपर जाएगा मान लो 20,000-250 तक जाएगा तो मैं एक काम कर लेता हूँ कॉल खरीद लेता हूँ। तो इन द मनी में गाइस हमेशा ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है, ये बता देता हूँ मैं जल्दी जल्दी मोटा मोटा, इन द मनी में हमेशा ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपको दिख रहा है कि यार चलो मैं 20,050 का ये जो कॉल है ये खरीद लेता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये लो गाइस, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया गाइस आप लोग देख सकते हो प्राइस क्या है, 52 रुपए प्राइस चल रही है और बैंक निफ्टी और निफ्टी का लोड गाइस, ठीक है। जैसे आप लोग बाय के ऊपर क्लिक करते हो आपके सामने लोड की साइज निकल के आ जाती है कि मिनिमम 50 क्वांटिटी तो खरीदनी पड़ेगी जो कि एक लोड बनता है। अगर ये आपको खरीदना है तो आप लोग क्या करोगे गाइस, यहाँ पे मान लो मुझे एक लोड खरीदना है जो कि कितनी क्वांटिटी मिलेगी मुझे, 50 क्वांटिटी मिलेगी, तो मुझे कितने रुपए यहाँ पे चाहिए गाइस, मुझे चाहिए 2,660 रुपए। नीचे लिखा हुआ रहा आपके पास में, ठीक है, रेड कलर के अंदर जहां पे इंस्टेंट बाय लिखा हुआ है उसके ऊपर देखिए 2,660 रुपए मेरे लगने वाले। और जैसे मैं इसको नहीं सर यार मुझे दो लोड बाय करने मतलब 100 क्वांटिटी बाय करनी है तो प्राइस देखो 5,300, ठीक है। ये सारी चीजें इस तरीके से जैसे मैं इसके ऊपर बाय के ऊपर क्लिक करूंगा ये बाय हो जाएगा। अब मान लो मैंने 52 रुपए के ऊपर बाय किया है और मान लो ये 52 से 60 के ऊपर चला जाता है 70 चला जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे होगा, निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी क्यों गया क्योंकि 50 कंपनी ऊपर गई है, अपन ने पैसे कहां पे लगाए 50 कंपनी पे लगाए, लेकिन पैसे थे नहीं तो अपन निफ्टी 50 में आए, निफ्टी 50 में लगाने के मतलब निफ्टी 50 इंडेक्स नहीं खरीद सकते तो अपन टोकन खरीद रहे कितने रुपए का, 52 रुपए का। तो अब 52 से अगर 60 का हो तो प्रॉफिट हुआ, और 52 से अगर मान लो अपना जो एनालिसिस थी अब क्योंकि अपन ने पैसे कहां लगाए ऊपर के ऊपर के, अगर ऊपर जाएगा तो मेरा अमाउंट बढ़ेगा 52 से 60 55 जो भी होगा, लेकिन अगर मान लो उल्टा आया मान लो वो नीचे गिर गया तो अपना तो लॉस होगा, ये 5,200 नीचे आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ये है कि कम पैसे से अपन काम कर सकते हैं, अपन अपने अकॉर्डिंग चलता है, मान लो वो कंपनियां बढ़ेगी निफ्टी बढ़ेगा तो अपने को कम पैसों से बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। मान लो मुझे पुट साइड के अंदर जाना है और गाइस यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है नॉर्मल ट्रेडिंग, नॉर्मल मतलब अगर इंट्राडे करते हो तो 3:15 बजे अपने आप ये कट जाएगी आपकी पोजीशन, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, उसका चार्ज भी लगता है गाइस, ठीक है, वो अलग अलग ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने चार्ज करते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करूं नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल मतलब आप लोग इसे होल्ड भी कर सकते हो, मान लो आपने खरीदा है एक्सपायरी का, मान लो 20 सितंबर की एक्सपायरी है और वहां का आप खरीदे हो तो उसके दिन अपने आप नॉर्मल के अंदर एक्सपायरी हो जाएगा, लेकिन ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे मतलब 3:15 बजे अपने आप ये कट जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन ट्रेडिंग गाइस एक मेरे से पॉइंट छूट गया जो कि मुझे चलो याद आ चुका है आई होप,
वो ये है गाइस कि ये जो टोकन आप लोगों ने खरीदा नहीं, ये 52 रुपए का, इसके ऊपर देखो गाइस एक्सपायरी दिखा रही है 14 सितंबर, ठीक है, ऊपर ऊपर दिखा रही है, तो ये 14 सितंबर तक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि भैया आपने तो 50 कंपनी में तो क्या करते हैं आप पैसा लगा के छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको टोकन दिया गया ताकि आप कम पैसों से काम कर सको। तो मेरे भाई यहाँ पे ये ड्रॉबैक भी है, ठीक है, वहां पे प्लस पॉइंट क्या था कि बड़े अमाउंट लग रहा था आपका, लेकिन वहां पे आप कितने टाइम तक भी होल्ड कर सकते थे। यहाँ पे ये अपने लिए ड्रॉबैक है कि यहाँ पे एक तो कम पैसे लग रहे हैं जो कि अपने लिए बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें तो अपने को छोड़नी पड़ेगी। जो क्या छोड़ना पड़ रहा है यहाँ पे कि अपन यहाँ पे लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, यहाँ पे एक्सपायरी है मंथली और वीकली एक्सपायरी होती है, तो 14 सितंबर की इसकी एक्सपायरी है, तो 14 सितंबर को ये अपने आप कट जाएगा पोजीशन, चाहे आपकी पोजीशन यहाँ पे मान लो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, लेकिन इसके चार्जेस भी है गाइस, ठीक है, मतलब आपको फिर चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं अगर ये अपने आप कटती है तो जल्दी काट लेना गाइस। मैं तो ये कहता हूँ कि पोजीशन जैसे प्रॉफिट में है प्रॉफिट लो और निकलो बस, ठीक है। नीचे मैं बात करूंगा इस यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है मार्केट लिमिट टिगर कवर, मतलब ये सारी चीजें एक तरीके से आपको कहाँ पे बाय करना है, कितनी प्राइस के ऊपर बाय करना है, ठीक है, लिमिट क्या रखनी है, ऑर्डर स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये सारी चीजें वो है। अब मैं बात करता हूँ बेक करता हूँ और पुट के अंदर चलता हूँ, ठीक है, याद जाइए। मान लो मुझे पुट का कोई खरीदना तो मैं वैसे ही पुट के ऊपर क्लिक करूंगा येलो और बाय के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मेरा पैसा कब बनेगा, मैंने 96 के ऊपर मान लो बाय कर लिया, अब मेरा पैसा कब बनेगा, जब ये 96 से ऊपर जाएगा जाहिर सी बात है तब ये पैसा बनेगा, लेकिन ये पुट कब बनेगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। आप पहले क्या कर रहे थे, 50 कंपनियों को ऊपर भेज रहे थे, बढ़ा रहे थे और साथ के साथ निफ्टी को भी बढ़ा रहे थे कि यार निफ्टी ऊपर जाए तो मेरा पैसा बने, लेकिन अब पैसा कब बनेगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में यही तो फायदा है कि अगर मार्केट नीचे भी गिरता है तो भी अपन पैसे बनाएंगे, तो यही है, अगर मार्केट नीचे गिरेगा पुट के अंदर तो आपका ये जो 96 के ऊपर आपने खरीदा है 96 रुपए के ऊपर खरीदा है, ये बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है, वो गिरेगा ये बढ़ेगा, समझ रहे हो, ये उल्टा है थोड़ा सा, आई थिंक गाइस मेरे हिसाब से इतनी आसान भाषा के अंदर तो कौन समझाएगा। और वही गाइस आप लोग यहां से वही अपना एक लॉट बाय करना चाहते हो 50 क्वांटिटी का, तो यहां से आप बढ़ा सकते हो जितना चाहो। ये देखो मान लो मुझे 4 लॉट बाय करने हैं, क्वांटिटी आप लोग देख सकते हो लगभग 200 क्वांटिटी हो गई है और मेरे पैसे रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं मुझे 19380 और मेरे पैसे मुझे रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं 19380। अब मुझे लिमिट के ऊपर लेना है इसको, मान लो मुझे लिमिट लगाना है कि नहीं यार मैं 96 के ऊपर नहीं लेना चाहता, मैं एक काम करता हूं जब ये 90 आएगा तो मैं अपने आप इसको मतलब अपने आप ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाए, तो यहाँ पे मैं प्राइस रखूंगा 90 रुपए, ये ऑटोमेटिकली जब भी ये 90 रुपए के ऊपर आएगा ये ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा, ऑर्डर पंच हो जाएगा, बाय हो जाएगा। अब अगर उससे ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट, उससे नीचे आएगा तो लॉस, मार्केट नीचे गिरेगा तो प्रॉफिट, मार्केट ऊपर चला गया तो लॉस, ठीक है, मार्केट नीचे आएगा तो प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो टिगर प्राइस, मतलब जहां पे जाके वो कट जाए, मान लो सर मैंने 96 के ऊपर खरीदा है और मुझे इसको एक काम करता हूँ मैं 110 के ऊपर बेच देता हूँ, तो आप इसे वो लगा सकते हो, ठीक है। सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे निकल के आ जाती है, बाय से सारी चीजें आप लोगों के सामने, और जैसे आप इंस्टेंट बाय के ऊपर क्लिक करते हो ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। आई होप मैंने अच्छी तरीके से समझाया गाइस, मैंने ये भी समझाया कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है और ऑप्शन ट्रेडिंग में कब प्रॉफिट होता है कब लॉस होता है, ये भी बताया मैंने कि एक्सपायरी होती है मंथली और वीकली एक्सपायरी, एक्सपायरी ऊपर लिखी हुई है, देखो यहाँ पे साइड में देखो गाइस 14 सितंबर, 21 सितंबर, 28 सितंबर, 5 अक्टूबर, यहाँ पे आप लोगों को एक्सपायरी दिख रही है। तो आप चाहते हो कि यार मैं एक काम करता हूं मैं अगली एक्सपायरी का पहले ही खरीद लेता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि निफ्टी वो ऊपर बढ़ेगा, तो एक काम करता हूं मैं अगली एक्सपायरी का आज ही खरीद लेता हूं, ठीक है। लेकिन प्रीमियम महंगे मिलेंगे गाइस, पहले बोल दूं अगर आप लोग अगली एक्सपायरी का खरीदते हो तो प्रीमियम महंगे मिलेंगे, ठीक है। जो प्राइस होगी ना प्रीमियम की, जो अभी अपन ने 96 के ऊपर खरीद रहे थे, 52 के ऊपर खरीद रहे थे, वो प्राइस महंगा मिलेगा, ठीक है। और ये कब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, 21 सितंबर को ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने कब खरीदा है, पहले खरीद लिया लेकिन 21 सितंबर को क्या, चलो 21 सितंबर तक तो कम से कम मेरे पास में ये रहे, ठीक है, जैसे आप स्टॉक सर्वर रखते हो ना अपने पास में उसी तरीके से। लेकिन अगर 21 सितंबर को आपने नहीं काटा तो फिर उसके चार्जेस भी लगेंगे और ये ऑटोमेटिकली भी कट जाएगा, वो आपकी पोजीशन लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, ठीक है। तो आई थिंक गाइस ये समझ में आप लोगों को, चलो ओवर ब्रेक करता हूं। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को दिख रही है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये इंडेक्स है, इंडेक्स में आप लोग कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके का है, क्लिक करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, वो ये ऑप्शन चेन के ऊपर क्लिक करूंगा, ये ऑप्शन चेन अपने सामने निकल के आ जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे दूसरी तरफ मैं बात करूं, ऑप्शन ट्रेडिंग फिर निफ्टी में भी कर सकते हैं, ये लीजिए,
ठीक है, देख सकते हो सारी चीजें। आपको चार्ट देखना है, चार्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे चार्ट आपको दिख जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ निफ्टी फिफ्टी का चार्ट देखना है, यहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो। ये देखिए मेरे सामने निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगे ओपन हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। चलिए फटाफट से एक बार ओपन हो जाने दीजिए इसको, ये देखिए गाइस, ठीक है फटाफट से ओपन हो गया है। और गाइस एक चीज और बोल दूं, धन एक ऐसा डीमैट अकाउंट है जहां पे आप लोग जाके मल्टीपल स्क्रीन यूज कर सकते हो बिना, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, गाइस पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और देख सकते हो चेहरे की हालत पसीना पसीना होगा सिर्फ आपके लिए। बाकी चैनल के ऊपर रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, जाके उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर कुछ भी अपडेट होती है तो मैं सबसे पहले उसी के अंदर डाल दूं। तो चलिए गाइस, और बाकी डीमैट अकाउंट लिए गाइस तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, धन की सबकी है, जाके आप अपने हिसाब से अपने चॉइस के अनुसार अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।